बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी के क्या थे ये जादूगर यानी ये बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। हॉकी के खेल में ये एकदम परिपूर्ण थे मेजर ध्यानचंद। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कुछ इनके जीवन शैली के बारे में। वैसे तो हर साल कोई ना कोई नया खिलाड़ी विश्व चैंपियन का पद प्राप्त करता है, पर उसका नाम और उसकी डाक तब तक जमी रहती है जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी उस रिकॉर्ड को भंग नहीं कर देता। तो क्या है, हर साल कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो विश्व चैंपियन का पद प्राप्त करता है, लेकिन जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी आकर उसको परास्त नहीं कर देता, उसको हरा नहीं देता, तब तक वही जो है उस रिकॉर्ड का राजा बना रहता है, यानी वही उस रिकॉर्ड को तोड़ता रहता है, बनाता रहता है जब तक कोई नया खिलाड़ी आकर उसको नहीं हरा देता। परंतु कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनका नाम उस खेल के साथ कुछ इस प्रकार जुड़ जाता है कि शताब्दियों तक उस नाम को उस खेल विशेष से अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या है, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका नाम किसी खेल के साथ इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि बहुत लंबे समय तक क्या है लोग उसको उसी खेल के नाम से याद करते हैं। हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद का नाम भी कुछ इस प्रकार जुड़ गया है। सच तो यह है कि सेना के एक मामूली सिपाही ने न भूतों न भविष्य की उक्ति को सही अर्थों में चरितार्थ करके दिखाया है। मेजर ध्यानचंद के नाम के साथ हॉकी का जादूगर विशेषण कुछ इस प्रकार जुड़ गया है जैसे यह भी उनके नाम का ही हिस्सा हो। तो मेजर ध्यानचंद जो है उनके नाम के साथ हॉकी का जादूगर शब्द भी इस तरह से जुड़ गया है जैसे कि यह उनके नाम का ही एक हिस्सा हो। विश्व के एक मशहूर खेलकूद समीक्षक ने ध्यानचंद के बारे में ठीक ही लिखा था, हॉकी के खेल में जो सर्वोत्तम सारयुक्त तत्व है वह भारत के पास है और भारतीय हॉकी में जो सर्वोत्तम है वह ध्यानचंद के पास है। ठीक भी है, भारत के किसी अन्य खिलाड़ी को शायद ही इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई हो जितनी कि मेजर ध्यानचंद को प्राप्त हुई। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयाग के एक सामान्य राजपूत परिवार में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके पिता सेना में एक मामूली सिपाही थे और वे चाहते हुए भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे। ध्यानचंद को बचपन में खेल कूद में कोई विशेष दिलचस्पी हो ऐसी बात भी नहीं थी, मगर कुछ बात तो थी जिसके कारण वे सतत साधना और अभ्यास से ही उच्च स्थान पर पहुंच गए। क्या था, उनको बचपन में खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन कुछ तो बात जरूर थी जिससे वो उस क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए। जहां आज तक दुनिया का कोई हॉकी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया है, कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ गए कि जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी हॉकी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया है। ध्यानचंद का परिवार कुछ समय बाद झांसी में आकर बस गया। उन्होंने साधारण से स्कूल में साधारण से शिक्षा प्राप्त की, बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। तब तक भी उनके मन में हॉकी के लिए विशेष लगाव नहीं था। क्या था, उसके बाद अब वो अपने परिवार के साथ झांसी में आकर बस गए थे और वहां पर उन्होंने एक साधारण से स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो उसके बाद वो सेना में भर्ती हो गए और वहां तक भी उनके मन में हॉकी खेलने का कोई भी विचार नहीं था। इसके बाद ही उनके मन में हॉकी खेलने के लिए कोई विचार आया। ध्यानचंद को हॉकी सिखाने का श्रेय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी की देखरेख में हॉकी का नव सीखिया सिपाही हॉकी के खेल के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि उसने हॉकी और गेंद को अपनी चिरसंगनी मान लिया। मेजर तिवारी की देखरेख में ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में करतब दिखाने शुरू कर दिए। उसका खेल देखकर अपने आप को उस्तादों के उस्ताद समझने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। कहते हैं एक बार इनकी रेजिमेंट का किसी दूसरे रेजिमेंट के साथ मैच हो रहा था। इनकी टीम 2 गोल से हार रही थी और मैच खत्म होने में केवल 4 मिनट का समय था। तभी इन्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर के ये शब्द सुनाई दिए, आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान। तो तब ये शब्द सुनकर क्या हुआ, बस फिर क्या था, ध्यानचंद के शरीर में बिजली आ गई और उसने 4 मिनट में 3 गोल बनाकर वह काम कर दिया जो दुनिया का शायद ही कोई और खिलाड़ी कर सके। तो केवल 4 मिनट में उन्होंने 3 गोल बना दिए और ऐसा काम कर दिखाया वो काम शायद दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। बस उसी दिन से उनका नाम सारे देश में फैल गया। ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड के स्थान पर खेलते थे और अंत तक वे इसी स्थान पर खेलते रहे। फॉरवर्ड खिलाड़ी पर ही बॉल की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है।
जब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का चुनाव किया गया तब देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को चुना गया। उस टीम में ध्यानचंद नाम का एक पतला सा सैनिक भी था। जब अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का चुनाव किया गया तो उस समय देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में मेजर ध्यानचंद जी का नाम भी चुना गया। सन 1926 में भारतीय सेना के हॉकी दल को 10 महीने के दौरे पर न्यूजीलैंड भेजा गया। यह दौरा ध्यानचंद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उन दिनों न्यूजीलैंड की हॉकी टीम काफी मजबूत जानी जाती थी, पर न्यूजीलैंड के दर्शक ध्यानचंद का खेल और उनकी गोल करने की व्यूह रचना देखकर हतप्रभ हो गए। जब न्यूजीलैंड के लोगों ने उनका खेल देखा, उनका हॉकी का खेल देखा और उनके गोल मारने की व्यूह रचना को देखा तो वो एकदम हैरान हो गए। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर ली। अब उसका नाम दुनिया भर के हॉकी प्रेमियों की जुबान पर था। सेना के उच्च अधिकारियों ने उनके शानदार खेल प्रदर्शन से प्रसन्न होकर उन्हें सिपाही से लांसनायक बना दिया। सन 1928 में जब ध्यानचंद पहली बार भारतीय टीम के साथ एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेने गए उस समय वे लांसनायक ही थे। सन 1932 के ओलंपिक खेलों तक वे नायक बन चुके थे। सन 1938 में वे सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और बाद में मेजर नियुक्त किए गए। तो क्या था, सन 1938 में वो पहले सूबेदार बने, फिर लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन बने और उसके बाद फिर वो मेजर बने। एम्स्टर्डम 1928 और लॉस एंजेलिस 1932 की ओलंपिक प्रतियोगिता जीतने के बाद भारतीय टीम सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गई। तब दर्शक इस सैनिक के चमत्कारी खेल को देखकर दंग रह गए। दर्शकों और अधिकारियों को यह शक हुआ कि कहीं इस खिलाड़ी ने अपनी स्टिक के साथ कोई चुंबकीय शक्ति को नहीं लगा रखी है, जिसके कारण गेंद हमेशा उसकी स्टिक के साथ ही चिपकी रहती है। तो काफी लोगों ने इन पर संदेह किया कि इस खिलाड़ी ने कहीं अपनी स्टिक के साथ कोई चुंबक तो नहीं लगा रखी, जिसके कारण गेंद हमेशा इसकी स्टिक से चिपकी रहती है। तो लोग उन पर अब संदेह करने लगे कि कहीं ये खिलाड़ी कोई चालाकी तो नहीं करता है। बात इस हद तक बढ़ गई कि अंत में ध्यानचंद से यह कहा गया कि उन्हें दूसरे स्टिक से खेलना होगा। लोगों को इतना संदेह होने लगा कि लोग उनसे इस तरह की बातें भी कहने लगे कि अब तुम्हें दूसरे स्टिक से खेलना होगा। तो लोगों ने क्या करा कि इनकी स्टिक भी बार बार बदलते रहे। उन्हें लगा कि कहीं इनकी स्टिक में कोई जादुई चुंबकीय पदार्थ तो कोई नहीं लगा हुआ है। परंतु ध्यानचंद ने दूसरे स्टिक से भी दनादन गोल करने शुरू कर दिए और दर्शकों को अपने खेल से इतना प्रभावित कर दिया कि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह खिलाड़ी तो हॉकी का जादूगर है। तो क्या है, उन्होंने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया अपने खेल को दिखाकर कि लोगों को कहना ही पड़ा कि ये हॉकी का जादूगर है। जर्मनी में दर्शक ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुए कि ध्यानचंद को प्रशिक्षकों के गिराव से बचाने के लिए कई बार पुलिस को बुलाना पड़ा। तो क्या था, जर्मनी में जब दर्शक ध्यानचंद के खेल को देख रहे थे तो वो उनके खेल को देखकर इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने इतनी भीड़ लगा ली कि उस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस को भीड़ को के घेरे को वहां से हटाना पड़ा क्योंकि लोग उनको एकदम घेरा बनाकर उनके आसपास भीड़ लगा रहे थे। बर्लिन ओलंपिक खेलों के समय ध्यानचंद अपने सर्वोत्कृष्ट कार्य हुए थे। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उनसे विशेष तौर पर हाथ मिलाया और उन्हें जर्मनी में अच्छे पद पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, पर ध्यानचंद ने इसे अस्वीकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ध्यानचंद ने हॉकी के खेल से उन्होंने संन्यास ले लिया। एक समारोह में ध्यानचंद ने बड़े विनम्र भाव से कहा था, हॉकी के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत सेवाएं मुझसे बन पड़ी है उनका कारण है मेरे देशवासियों का मेरे प्रति प्रेम और स्नेह। तरुण हॉकी खिलाड़ियों से मैं हमेशा यही कहूंगा, अपने देश का झंडा ऊंचा रखो। तो क्या है कि वो हॉकी खिलाड़ियों से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखना और हॉकी खेल हमेशा ऐसे ही अच्छे से खेलते रहना। सन 1968 की मैक्सिको ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के अवसर पर ध्यानचंद को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मानित किया गया। वे स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ हॉकी की बदौलत ही हूँ। हॉकी खेलते समय मुझे असीम आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। तो
कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हॉकी के बदौलत हूँ। तो हॉकी खेलते समय जो मुझे आनंद प्राप्त होता है वो मुझे किसी और चीज में कभी नहीं होता। 3 दिसंबर 1969 को हॉकी के इस महान खिलाड़ी का झांसी में निधन हो गया। उन्होंने खिलाड़ी, प्रशिक्षक और सलाहकार के रूप में भारतीय हॉकी की जो सेवा की है उसके लिए भारतीय हॉकी ध्यानचंद की सदैव ऋणी रहेगी। तो क्या है मेजर, ये योगराज स्थानी द्वारा लिखी गई मेजर ध्यानचंद की कहानी है जिसमें उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया है कि उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था। यानी वो हॉकी के खेल में इतना माहिर थे, वो हॉकी का खेल इतना अच्छे से खेलते थे कि सब लोगों को उन पर संदेह होता था कि वो कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ धोखा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हॉकी के खेल में सचमुच सबसे माहिर थे। और वो यही आशा करते हैं कि हॉकी खेलते समय हॉकी दे आज दुनिया में जितने भी हॉकी के खिलाड़ी हैं वो हॉकी को उसी तरह से खेलें और अपने देश का झंडा ऊंचा रखें। तो आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।